हम क्या बनाते हैं, एक प्रेसिडेंस ग्राफ बनाते हैं, ठीक, और उसके कोड को हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं। चलो, ये क्या है हम लोग का, ये है प्रेसिडेंस ग्राफ। ये क्या है, प्रेसिडेंस ग्राफ है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को लिखना है कोड या फिर बोलो प्रोग्राम। हम लोग को प्रोग्राम लिखना है इस प्रेसिडेंस ग्राफ का। तो एक बार इसका मीनिंग को समझते हैं, ग्राफ क्या बोलना चाहता है। अब लोग बोल कहाँ रहा है, नहीं क्वेश्चन है ना, क्या कॉमेडी सर्कस बताओ, मतलब कॉमेडी कॉमेडी खेलोगे। हाँ चलो कोई नहीं, अब देखते हैं इसको, हम बैठ कर आराम से बताएंगे। यहाँ पर देखो एक चीज नोटिस करो, क्या लिखा सबसे ऊपर में, प्रेसिडेंस ग्राफ। सबसे ऊपर में कौन सा प्रोसेस है, मान लो इसको नंबरिंग करते हैं, अगर O1, ताकि नंबरिंग तो है ही, चलो P1 P2 ही है, नंबरिंग का ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है। तो सबसे ऊपर में P1 है ना, उसके नीचे क्या क्या है, P2 P3 P4 और एक यहाँ P6 P2 और P3 के नीचे, और यहाँ P5 और P6 P5 के नीचे P7। तो एक बात जान लो, कहीं भी ऐसा रहे X Y और ऐसा एरो रहे, तो इसका मतलब अभी क्या बताए थे, I1 और I2 था ना, तो क्या हो रहा था, I1 के बाद ही I2 एग्जीक्यूट होगा, ये फिक्स था ना I1 के बाद। तो यहाँ पर देखो P1 यहाँ है, P1 के यहाँ से एरो यहाँ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, P1 के बाद ही P2 होगा, यहाँ से P1 से P3 पर भी एरो आ रहा है, मतलब P1 के बाद ही P3 होगा, उसके बाद और क्या आ रहा है, उसके बाद P1 से P4 पर भी एरो आ रहा है ना, मतलब P1 के बाद ही P4 एग्जीक्यूट होगा। लेकिन P2 और P3 में कोई एरो है क्या, नहीं है, तो एरो अगर दो प्रोसेस के बीच में नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो दोनों पैरेलली रन कर सकता है, जिसके जिसके बीच में एरो नहीं है, इसके बीच में नहीं है ना, पैरेलल रन करेगा। यहाँ पर देखो एरो छूट गया है, और कुछ टाइपिंग एरर कुछ नहीं, और चलो P6 क्या है, P3 P2 और P3 दोनों से एरो निकल के P6 में आया है, इसका मतलब क्या है, P6 P2 और P3 दोनों के कंप्लीट होने के बाद ही P6 होगा। हाँ P2 P3 में कोई एरो नहीं है, कोई एरो नहीं है P2 और P3 में, इसका मतलब क्या है कि ये दोनों कुछ भी आगे पीछे हो सकता है, लेकिन P6 तभी अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा जब P2 और P3 कंप्लीट हो जाएगा, ये दोनों के कंप्लीशन के बाद ही P6 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगा, ठीक, सब में वैसे ही है, P7 P6 के बाद, और P5 और P6 दोनों कंप्लीट होगा तब P7 कर सकता है, सेम P5 तभी करे जब P4 कंप्लीट हो जाए। तो कोड कैसे लिखेंगे, इसका मतलब समझ गए ना, तो कोड कैसे लिखेंगे इसका, ये क्वेश्चन को अच्छे से देखना, ठीक। अच्छा दो टर्म बताए थे ना,
एक क्या था, बिगिन और एंड, इसके बीच में कुछ और लिखा हुआ है जो भी प्रोसेस का सीक्वेंस है, और एक और पर बिगिन और नीचे कुछ सीक्वेंस है, उसके बाद इंस्ट्रक्शन का और पर एंड। इसका मतलब क्या था कि पैरेलल में अगर दो इंस्ट्रक्शन है उसको यहां पर जब हम लिखेंगे ऐसे आई वन और आई टू, इसका मतलब क्या है, पैर बिगिन मतलब आई वन आई टू पैरेलली रन कर रहा है, जब आई वन और आई टू पैरेलल जब रन कर रहा है, पैरेलल कहां पर, यहां पर है, यहां पर देखो पैरेलल क्या है, पी टू और पी थ्री, पी टू और पी थ्री, पी टू और पी थ्री पैरेलल है ना, दोनों एक साथ अलग अलग रन कर सकता है ना पैरेलली एक साथ में, तो ऐसे ही आई वन आई टू है दोनों पैरेलली रन कर सकता है। और बिगिन एंड का मतलब क्या हुआ, जो P1 और P2 में क्या है, P1 पहले स्टार्ट होगा फिर उसके बाद ही P2 हो सकता है, तो लिखेंगे दोनों ऐसे ही, बीच का एंट्री ऐसा ही रहेगा, लेकिन इससे डिफ्रेंशिएट करेंगे बिगिन और एंड जो लिखा हुआ है, एक कॉम्बिनेशन से हम लोग समझ पाएंगे कि ये जो कोड लिखा हुआ, ये जो लिखा हुआ है प्रोसेस, ये पैरेलली रन कर रहा है या फिर ऐसे सिक्वेंस है एक के बाद एक रन कर रहा है। सेम उसी तरीके से पर बिगिन और पर एंड जहां होगा इससे हम लोग क्या समझेंगे, ये दोनों होना चाहिए, एक तरह का समझो क्या है, एक तरह का समझो ब्रैकेट है, स्टार्ट हुआ तो कहीं जाकर वो एंड होगा, इसके बीच में जो भी डेटा है इसके बीच में वो एक ही टाइप से लिखेंगे, लेकिन स्टार्टिंग में बिगिन अगर लिखा हुआ है और एंड है, इसका मतलब क्या है, ये लोग कॉन्करेंट प्रोसेस नहीं है, एक के बाद एक का एग्जीक्यूशन हो रहा है, पर बिगिन और पर एंड का यही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग करेंगे कोड लिखने का काम, तो बेसिक जान गए ना, कोड लिखते समय सोचना, तुम भी जो लिख ही रहे हैं सोचना भी है पहले, तो कोडिंग लिखते हैं रेड पेन से लिखते हैं, क्या रेड से अच्छा लगता है, रेड कलर थोड़ा रोमांटिक होता है ना, इसीलिए रेड से अच्छा लगेगा, चलो अच्छे से देखते हैं हम लोग। तो क्या है, अब कोड को स्टार्ट जब हम लोग करेंगे प्रोग्राम को, तो बाकी बीच में कुछ भी रिलेशन रहा हो, लेकिन ये चीज तो ऐसे डायरेक्टली देख कर पता चल रहा है कि P1 सबसे ऊपर है, P1 और P7 नीचे है, मतलब P1 के बाद ही P7 होगा, ये बात तो पक्का है। मतलब कि कोड स्टार्ट कैसे होगा, P1 के बाद में कुछ प्रोसेस है ना, ये दिख गया ना हम लोग को, मतलब कि ये बात तो पक्का है P1 के बाद है, जब मतलब बिगिन और एंड का कुछ ना चक्कर है इनिशियली, बाद में जो भी रहे पैरेलल आ जाए, पर बिगिन पर एंड कहीं आए, लेकिन स्टार्टिंग में तो इसके बाद में है ना कुछ जो डिपेंड कर रहा है P1 पर, देखो P2 है जो P1 पर डिपेंड कर रहा है, इसके नीचे का प्रोसेस पर डिपेंड कर रहा है ना, एरो देखो नीचे की ओर है, इसमें क्या है पी P1 से P3 एरो आया है, मतलब क्या है P3 इज डिपेंडेंट ऑन P1, मतलब P1 पहले कंप्लीट करेगा P3 बाद में करेगा, मतलब बिगिन एंड का चक्कर हो गया ना, एक के बाद एक कर रहा है, तो सबसे पहले हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे बिगिन, मतलब स्टार्ट हो गया है, क्या क्या बिगिन हुआ है, तो P1 के पैरेलल में कोई है क्या प्रोसेस, देखो P1 के इस साइड में या इस साइड में नहीं है ना, P1 के बाद ही सब है, सबसे पहले P1 होगा, तो मतलब पैरेलल कोई नहीं है, इसके बाद क्या लिखेंगे, सीधा P1 लिख दिए, क्यों इसके साथ में पैरेलल कोई है ही नहीं, अगर पैरेलल होता यहाँ पर कुछ और भी होता तब पर बिगिन करते हम लोग, लेकिन कुछ और है ही नहीं, तो चलो P1 लिख दिए, इसके बाद आए जब हम लोग, तो ये क्या है P2 और P3 जो P1 पर डिपेंडेंट है, और एक और P4 भी डिपेंडेंट है, तो P2 P3 P4 ये तीनों ही है जो P1 के बाद आएगा, ये तो बात पक्का है, तो पैरेलल में कौन कौन है, P2 और P3 कभी भी कर सकते हैं और P4 भी कभी भी कर सकते हैं, लेकिन देखो एक और चीज, P1 से देखो रास्ता कैसे आया, P4 P5 और P7, ये पूरा सिस्टम, ये जो नेटवर्क है P1 से
P4, P5, P7 आया है और एक और नेटवर्क P1 से ऐसे जो नेटवर्क आया ऐसे बना, काइट बना और ये पतंग जैसा बन गया। ए नेटवर्क देखो, ए नेटवर्क और एक ए नेटवर्क, ये दोनों मान लो, ए नेटवर्क O1 लिखते हैं इसको, चलो ऐसे नहीं लिखो, इसको एक लिखते हैं, हाँ O1 ए नेटवर्क को अच्छा से O1 लिखते हैं, और ये जो नेटवर्क है इसको हम लोग लिखते हैं 2। देखकर क्या लग रहा है, O1 और 2 में कोई रिलेशन है क्या? O1 और 2 क्या है, पैरेलल है ना? ये पहले नेटवर्क खत्म हो या ये खत्म हो, कोई किसको क्या फर्क पड़ता है? कुछ नहीं फर्क पड़ता है। ये नेटवर्क और इसमें एरो गया है क्या? एक भी नहीं गया है ना। एरो क्या है, P1 से नीचे की ओर आएगा और P7 तक आएगा, और ए O1 और 2 दोनों जब कंप्लीट हो जाएगा तभी P7 होगा। ये एसओटी है, सही बात है, लेकिन O1 पहले हो या 2 पहले हो किसी को क्या फर्क पड़ता है? इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों नेटवर्क पैरेलल में है। पैरेलल में पहले देखो P2 P3 नहीं देखे ना, पहले मेन नेटवर्क को देखेंगे, ठीक। तो मतलब O1 और 2 क्या है, पैरेलल में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे पर बिगिन, और इसको बंद करते समय में जब ए खत्म होगा तब यहां पर P7 से पहले क्या करें, इंड करेंगे पर इंड को पैरेलल में, लेकिन पर बिगिन तो कर दे, क्या क्या पैरेलल में है, ए पैरेलल में है और ए पैरेलल में है। तो O1 को कैसे लिखेंगे, हाँ एक और चीज जान लो, पैरेलल में दोनों हैं तो O1 को पहले लिखो या 2 को पहले, कोई फर्क नहीं पड़ता है, 2 को भी पहले लिख सकते हैं, मान लो 2 को ही लिखते हैं, चलो 2 को कैसे लिखेंगे, P7 के बाद क्या आया, P4 आया, P1 के बाद P1 है, P4 है, P1 तो पहले आ चुका है, ऊपर आप भूल जाएंगे, P4 है, P5 है, दो ही है ना प्रोसेस, P7 भी बाहर है इससे नेटवर्क से, तो P4 और P5 में क्या रिलेशन है, P4 के बाद P5 हो रहा है ना, तो ये क्या है, बिगिन P4 P5 यहाँ इंड, यहाँ बिगिन यहाँ इंड हो गया ना, एक के बाद एक हो रहा है ना, ये पूरे चीज को यहाँ डालेंगे, क्यों, क्योंकि पैरेलल में एक यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ पर आया 2 और यहाँ पर आया O1, इसके बाद क्या करेंगे, पर इंड करेंगे, हम ना ये इंड हो गया दोनों को पैरेलल इंड कर दिया, फिर नीचे में यहाँ लिख भी देते हैं, चलो पर इंड, अब पहले क्यों नहीं लिख रहे थे, क्योंकि मान लो बाद में जगह कम जाए बीच में, क्योंकि हमको आइडिया लग गया कि नहीं इतना जगह में भी हम लिख लेंगे, इसलिए हम लिख दिए, तुम लोग यहाँ नहीं लिखना, इंड करना सही से, लाइन से लिखते जाओगे ऐसे इंड हो जाएगा, पता है ना कि अब ये प्रोसेस इंड हो गया, ये जो नेटवर्क इंड हो गया, फिर ये नेटवर्क भी इंड हो गया, तो पर इंड कर दिए। तो चलो यहाँ क्या लिखना है, यहाँ 2 का लिखना है, 2 क्या लिखना है, अब देखो इसको हटाते हैं, 2 का पहले हम लोग लिखेंगे, ये क्वेश्चन अच्छे से देखो, फिर कितना भी कैसा नेटवर्क रहे तुम सॉल्व कर लोगे। तो P4 के बाद P5 है ना, P4 के बाद में है P5 ना, तो बिगिन यहां इंड यहां, हाँ तो बिगिन करते हैं, बिगिन बिगिन हो गया उसका, P4 और P5 ना, बिगिन P4 P5 इंड, ये हो गया ना, देखो ये हो गया ना, इंड बिगिन यहां से हुआ, इंड यहां से हुआ, क्या है यहां से यहां तक क्या है, पूरा 2 का नेटवर्क है, 2 का नेटवर्क को इंड कर दिए ना, अब इसके बाद क्या आएगा, ये क्या है, इसको लॉ लिख दो ऐसे, इसको लिख देते हैं 2, ये जो 2 है यहां पर 2 है, ए है 2 और ए है 1, इसके बाद में 2 तो अब लिख लिए हैं, 2 का तो लिख लिए, क्या बिगिन P4 P5 एंड हो गया, हाँ इतना दूर का लिखना है केवल, क्योंकि P1 तो पहले से लिखा हुआ है, P7 बाद में लिखें, क्यों P7 इसके पैरेलल में नहीं है, ये दोनों के O1 और 2 के पैरेलल में P7 नहीं है, O1 और 2 के बाद है P7, ठीक। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ पर O1 वाले का लिखेंगे, 2 लिख लिए ना, तो अब O1 का लिखेंगे, O1 को देखो कैसे लिखेंगे, इसको हटाते हैं पहले सर्कल को, ये क्वेश्चन को बहुत आराम से समझो,
कभी भूलोगे ही नहीं, सब मतलब बहुत ही आसान चीज है, लेकिन नहीं समझोगे तो फिर नहीं बनेगा, इसलिए एक बार ही समझेंगे अच्छे से। अब क्या करेंगे, इस नेटवर्क के लिए लिखेंगे, ये नेटवर्क में क्या दिख रहा है, स्टार्ट करने से क्या दिख रहा है, ये नेटवर्क में जैसे ही नीचे हम आए, देखिए क्या P2 और P3 पैरेलल में है, P2 और P3 पैरेलल में है ना, और क्या है P6 ये दोनों के बाद है, ठीक। तो ये दोनों पैरेलल में पहले है, तो ऐसे कर लेंगे, मान लो P2 और P3 ये सर्कल को 3 मान लिए और इसको मान लिए 4। तो 1 को कंप्लीट करने के लिए 3 को कंप्लीट करेंगे, P2 और P3 वाले पार्ट को, फिर इसको P6 वाले पार्ट को 4 में कंप्लीट करेंगे, मतलब 1 को कंप्लीट करने के लिए 3 और 4 को कंप्लीट करना होगा, और होगा कैसे, इस सिक्वेंशियल ऑर्डर में होगा, पहले इसका कोड रहेगा फिर इसका कोड रहेगा, क्यों, ये दोनों पर डिपेंडेंट है, ठीक। देखो कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, पहले कौन होगा, 3 और 4 में से 3 होना है, क्यों, 4 डिपेंडेंट है 3 पर, पहले 3 को करना है। 3 में देखो क्या दिख रहा है, ये दो प्रोसेस है, दोनों पैरेलल है, दो प्रोसेस पैरेलल है ना, क्या करेंगे, पर बिगिन P2 P3 पर एंड, समझ लो कितना बड़ा प्रॉब्लम था, इसको छोटा छोटा रूप में देख रहे हैं हम लोग, प्रोसेसर भी तो यही करता था ना, एक बड़ा सा प्रोग्राम को डिवाइड किया अलग अलग मॉड्यूल में, उस मॉड्यूल में इंस्ट्रक्शन पर गया, उसमें माइक्रो इंस्ट्रक्शन पर गया, माइक्रो इंस्ट्रक्शन को एक टाइम में एग्जीक्यूट किया, हम लोग भी वही कर रहे हैं, हाँ, लेकिन प्रैक्टिस करोगे ये चीज़ बहुत फास्ट होगा, तुरंत बन जाएगा, हमको समझाना इसलिए इतना टाइम लग रहा है, तो हम लाइन से देखते जाएंगे लिखते जाएंगे, तुम लोग भी लिखोगे, इसलिए अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या क्या है, 3 वाले को लिखना, 3 क्या था, पर बिगिन पर इन में P2 और P3, 3 वाला यहाँ ही आया है ना, 2 को पहले अगर कर दिए, इसके बाद बचा हुआ था क्या, 1, 1 में 3 या 4 करना है, यहाँ 3, यहाँ पर 3, यहाँ 4, 3 को लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पर इंड क्या P2 और P3, तो P2 P3, उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सॉरी इंड लिख दिए हैं पैरेलल में, बिगिन यहां होगा, तो क्या किए, ये जो मॉड्यूल हम लोग किए हैं ये क्या है, 3 का है, P2 और P3 उसी 4 कंप्लीट करेंगे तो 1 कंप्लीट हो जाएगा, 3 का है, ये क्या हुआ यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक हुआ 3, यहां से यहां तक क्या हुआ 3 हुआ। अब हम लोग क्या करेंगे, 3 जब हो गया तो 4 में आएंगे ना, अब 4 में आए, 3 के बाद ही 4 है ना, पहले 3 है इसके बाद में 4 है, मतलब इसके बाद ये होगा, ये क्या है P6 है, मतलब ये पूरे के 3 के बाद में यहाँ 4 होगा और यहाँ क्या आएगा P6 आएगा, P6 आया, तो जब ये दोनों देखो 3, ये कितना हुआ, ये हुआ 4, 3 और 4, लेकिन 3 के बाद 4 है ना, 3 के बाद है ना 4, 3 के बाद है ना 4, मतलब बिगिन 3 4 इंड, वही तो करना होगा, एक के बाद एक है तो 3 4 में बिगिन और इंड भी तो लगाना होगा, 3 यहाँ है 4 यहाँ है, तो बिगिन कहाँ लगेगा, बिगिन होगा इसके पहले ये इंड हुआ था, इसके बाद में होगा क्या, यहाँ पर होगा, बहुत स्पेस कम मिल रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखते हैं बिगिन, इंड कहाँ हुआ, बिगिन 3 आया यहाँ पर, उसके बाद 4 आया, 3 आया, 4 आया, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे इंड करेंगे, तो क्या हुआ, ए बिगिन से लेकर ए इंड तक में ये क्या है, 1 है ना, ये 1 है ना, 3 उसके बाद 4, 3 इसके बाद 4, ये टोटल क्या हुआ, 1 हुआ,
ये टोटल क्या हुआ, वन हुआ, थ्री के बाद फोर। अब देखो वन और टू, टू पहले लिखे थे, वन बाद में लिखे हैं, दोनों पैरेलल में था ना, टू और वन में कोई भी पहले कर सकते थे ना, तो इसके लिए क्या किए थे, पार बिगिन पार इंड लिख दिए थे ना, मतलब वन और टू को भी पैरेलल में कर दिए ना, मतलब ये पूरा सेक्शन का, ये पूरे सेक्शन का कोड हम लोग लिख चुके हैं, ये पूरा सेक्शन का। अब बचा क्या, पी वन और ए एक सेक्शन और पी सेवन, इसमें रिलेशन बचा है ना, तो पी वन से तो स्टार्ट हो गया था, चलो बिगिन हो गया था पी वन से, तो पी वन के बाद ही पी सेवन, पी वन के बाद ये पूरा नेटवर्क है, पी वन के बाद ये पूरा नेटवर्क है, उसके बाद में पी सेवन है। इसको और छोटा रूप में मान लो बनाना पड़े तो क्या करेंगे, इसको मान लो नेटवर्क एन लिखते हैं, इसको मान लो ये पूरे सर्कल को पी सेवन के जस्ट पहले तक और पी वन के बाद जस्ट बाद तक ये पूरे नेटवर्क को एन लिखते हैं। इसको एक छोटा डायग्राम में हम लोग बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, पी वन एन और दूर लिखते हैं, चलो पी वन एन, उसके बाद पी पी सेवन है ना, चलो तो पी सेवन, तो क्या हुआ, पी वन के बाद एन होगा, एन के बाद पी सेवन होगा, देखो पी वन के बाद पूरा नेटवर्क आएगा, नेटवर्क पी वन से पहले भी नहीं आ सकता है, पी वन के बाद ही ये नेटवर्क आएगा, ये नेटवर्क कंप्लीट जब होगा तभी, देखो एरो था ना डिपेंडेंसी, ये नेटवर्क के बाद में ही पी सेवन आएगा ना, हाँ डिपेंडेंसी दिख रहा है यहाँ सामने, तो क्या होगा, पी वन के बाद एन आया फिर आया पी सेवन, P1 के बाद N और P7, P1 यहाँ है ना, तो बिगिन में क्या लिखेंगे, यहाँ पर बिगिन P1 नेटवर्क 7 और इंड यही लिखेंगे ना इसके लिए। N क्या है, N कहाँ से कहाँ तक है, N ये पूरा है ना नेटवर्क, नेटवर्क में क्या है, पैरेलल में O1 चल रहा है और 2 चल रहा है, वन ये जो नेटवर्क था वन और टू मिलके ही एन बना है ना, तो एन में क्या है, दोनों पैरेलल में चल रहा था, देखो पैरेलल में यहाँ से यहाँ तक में पूरा एन हो गया ना, तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम लोग करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया एन, क्या हो गया, बिगिन बिगिन पी वन पी वन एन एन, ये पूरा एन हो गया, उसके बाद पी सेवन, उसके बाद पी सेवन, उसके बाद क्या हो, एन के बाद में पी सेवन, वो पी वन एन पी सेवन, पी वन एन ये पूरा एन हो गया और पी सेवन आया, इसके पहले बिगिन है, बिगिन लिख दिए थे, अब पी सेकेंड पी सेवन के बाद इंड भी तो है, तो इंड कर देंगे, क्या करेंगे लास्ट में, लास्ट में इंड कर दिए, पी वन एन पी सेवन इंड कर दिए, तो ए यहां से यहां तक जो हुआ इंड, बिगिन और इंड यहां से यहां तक का ए हो गया क्या, ए पूरा हो गया प्रोग्राम, किसका प्रोग्राम, ए टोटल प्रेसिडेंस ग्राफ का, ए टोटल का, देखो सबसे बनाएंगे रेड ब्लू सबसे बना देंगे, अभी हम मान ही नहीं सकते हैं, अभी तुम लोग को पता चलना चाहिए कि ड्राइंग हम भी इंजॉय करते हैं। चलो ये तीन लाइन का जो साइड सर्कल है ना, ये सर्कल के अंदर में ही ग्राफ है ना, ये पूरे ग्राफ का बिगिन और इंड तक में प्रोग्राम लिखा जा चुका है, अभी बताया थे ना जो प्रेसिडेंस ग्राफ बनाएंगे उसके बाद कोड लिखेंगे, बस यही है कंकरेंट प्रोग्रामिंग में, यही है। बोलो क्वेश्चन क्या होगा, मान लो ये प्रोग्राम दे दे या फिर बोले उसको बनाने के लिए, तो अभी हम लोग क्या किए, अभी हम लोग इससे ये बनाए हैं ना, अभी हम लोग प्रेसिडेंस ग्राफ से कोड को लिख लिए ना, अब कोड हम लोग के हाथ में है ना, अब हम लोग देखते हैं कोड से ही प्रेसिडेंस ग्राफ बनाकर, अब हम लोग कोड से ही प्रेसिडेंस ग्राफ बनाकर देखते हैं, ग्राफ जो जो भी ग्राफ था उसका प्रोग्राम लिखा जा चुका है, तब ग्राफ प्रोग्राम से हम लोग क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे, तो इसके लिए क्या करना होगा, इसके लिए ग्राफ को मिटा देते हैं,
क्या सबसे बेटर वे है? कोई और प्रोग्राम भी लिख कर लिख सकते हैं, लेकिन हम तरीका बता देंगे। कुछ भी प्रोग्राम लिख लोगे, बना लो एक ग्राफ, तो ग्राफ हम लोग इसी प्रोग्राम का एक बार बनाते हैं। और अगर ग्राफ भी बना लिए तो फिर कुछ बचेगा? कुछ नहीं। कंकरेंट प्रोग्रामिंग में बस यही है ही, इसके अलावा और कुछ नहीं था। पहले इसको हम बनाते हैं। अब देख लो इसमें हम क्या बताना चाहते हैं कि एक प्रोग्राम को ग्राफ में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक, हाँ, उस समय ये सब 1 2 3 4 नहीं होगा, इसको मिटाना होगा ना, इसको भी मिटाते हैं। क्वेश्चन में जो दिया जाएगा जितना, उस चीज को हम रहने देंगे, बाकी सब मिटा देंगे, क्योंकि बनाना वहां से ही है ना। 1 2 नंबरिंग ये सब क्यों करेंगे? बाद में जरूरत हुआ कुछ डिटेल लिखने का, लिखा जाएगा, देखा जाएगा। पहले हम बताना चाहते हैं क्वेश्चन कैसा आएगा, एग्जाम में क्या दिखेगा क्या, और तुम देखना जब स्टार्ट करोगे तुम्हारा अप्रोच क्या होना चाहिए। पहले पता होना चाहिए क्या कि दिख क्या रहा है एग्जाम में। तो एग्जाम में यही प्रोग्राम दिखेगा। क्वेश्चन क्या होगा? ड्रॉ प्रेसिडेंस ग्राफ ऑफ गिवन प्रोग्राम। इस प्रोग्राम का प्रेसिडेंस ग्राफ ड्रॉ करना है। जिन लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा उनमें क्या रहेगा? प्रोग्राम दिया है, 4 प्रेसिडेंस ग्राफ दिया है, सिलेक्ट करना है कौन सही है। एट लास्ट वही हो गया, मतलब कि ड्रॉ करने आना चाहिए। तो कैसे ड्रॉ करेंगे समझो इसको। इसमें क्या करेंगे हम लोग, क्या नोटिस कर रहे हैं देखो, जब स्टार्ट किए प्रोग्राम को रीड करना है। स्टार्ट किया प्रोग्राम कहाँ से कहाँ तक है? यहाँ बिगिन से एंड तक प्रोग्राम है। जब देखना शुरू किए देखते हैं क्या, बिगिन सबसे ऊपर में है, सबसे नीचे एंड है। हाँ, इसका मतलब इसके जस्ट बाद से स्टार्ट हुआ होगा और यहाँ एंड किया होगा, एक अलग अलग लेयर में होगा। तो हम लोग प्रोसेस को लिखना शुरू कर देते हैं। अब क्या P1 है ना, सबसे पहले P1 है ना, तो हम लोग P1 को ड्रॉ किए। P1 है जो, P1 को हम लोग ड्रॉ किए। अब P1 के बाद ही सब कुछ है, जान लो एक बात पक्का है। क्यों? बिगिन के जस्ट बाद में P1 आया है, इसलिए P1 से के बाद ही सब है। अब देखते हैं क्या, नीचे में जो पर बिगिन स्टार्ट हुआ है, ठीक, मतलब कि कुछ प्रोसेस पैरेलल में चल रहा है। क्या चल रहा है देखेंगे बाद में, ये कुछ प्रोसेस है जो पैरेलल में चल रहा है। कब स्टार्ट हुआ है पैरेलल में चलना? P1 के बाद, समझ रहे हो बात को? P1 के बाद स्टार्ट हुआ है, मतलब क्या है, ये जो पैरेलल में चल रहा होगा पर बिगिन के चलते जहां तक भी जाए नीचे, लेकिन P1 के बाद ही है, मतलब P1 पर ये पूरा पैरेलल में चलने वाला प्रोसेस डिपेंडेंट होगा। इनिशियली क्या करेंगे, पर बिगिन में पैरेलल में चलेगा, ये पता चलेगा। आप कौन पैरेलल में चलेगा आप उसको देखते हैं, मतलब पैरेलल में जो चलेगा पर बिगिन में, वो कहाँ लिखेंगे? P1 के नीचे ड्रॉ करेंगे, P1 के नीचे ही ड्रॉ करेंगे, और P1 से एरो जाएगा सब जगह, कहाँ कहाँ जाएगा देखते हैं। तो पैरेलल में क्या क्या चल रहा है, पहले हम इस लेयर में लिखते हैं। यहाँ पर पैरेलल में एक ऐसे ऐसे पैरेलल वाले को हम लिखते हैं। क्या देखेंगे, पर बिगिन आया, फिर उसके जस्ट बाद में बिगिन आ गया, मतलब क्या है, फिर से एक के बाद एक चलना है। लेकिन ये एक के बाद एक कहाँ चलना है? ये एक के बाद एक P1 के नीचे और पैरेलल में कुछ चल रहा है, कुछ चीज पैरेलल में चल रहा है, पैरेलल भी हो गया है, यहाँ पैरेलल में भी चल रहा है, उसके बाद ये आया बिगिन और एंड। तो बिगिन और एंड को हम पहले ड्रॉ कर लेते हैं। क्या है बिगिन? P4 P5 एंड। तो बिगिन एंड कैसे हम लोग बनाते थे? बिगिन एंड के लिए P4 P5 ऐसे ही बनाते थे ना। रुक जा, सर्किल को और छोटा बनाते हैं, दिखना चाहिए दूर दूर थोड़ा, और छोटा बना दो। चल ये आया
पी फोर ए आया, पी फाइव, पी फोर से क्या गया, पी फोर से एरो गया पी फाइव में, क्यों गया, क्या लिखा है, बिगिन पी फोर पी फाइव इंड, मतलब पी फोर के बाद पी, मतलब पी फोर के बाद में पी फाइव होगा, पी फोर के बाद में पी फाइव होगा, हम मान लिए चलो ये बिगिन हो गया, ये पैरेलल में है, और बिगिन के बाद इंड हुआ ना, अब फिर से देखो बिगिन हो रहा है, तो जो बिगिन हो रहा है ये बिगिन और कहीं इंड होगा, वो सब कहाँ चलेगा, वो सब एक के बाद एक चलेगा, लेकिन ये बिगिन में जब हम लोग आए क्या देखे, पर बिगिन मतलब क्या, फिर से पैरेलल में चल रहा है कोई चीज, कुछ है जो पैरेलल में चल रहा है, तो क्या है, पी टू और पी थ्री जो पैरेलल में चल रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे, पी टू और पी थ्री ये दोनों प्रोसेस कहाँ चल रहा है, ये दोनों प्रोसेस पैरेलल में चल रहा है। हाँ, बिगिन और एंड से कोई रिलेशन है क्या, बिगिन एंड पी फोर पी फाइव जो पहले बनाए हैं, बिगिन एंड जो पी फोर पी फाइव पहले बनाए हैं, और पर बिगिन पर इन पी टू पी थ्री जो बनाए, पी टू पी थ्री जो बनाए, ये दोनों में कुछ रिलेशन है क्या, हाँ रिलेशन है, क्या रिलेशन है, पर बिगिन और पर बिगिन के बाद में ये पूरा ब्लॉक आया, उसके बाद बिगिन आया, उसी के अंदर में ये है, इसका मतलब क्या है कि ए ब्लॉक और ए ब्लॉक भी पैरेलल में कहीं ना कहीं चल रहा है, मतलब डिपेंडेंट नहीं है इतना जान लो, अब कैसे पैरेलल है और ग्राफ में दिखेगा, लेकिन डिपेंडेंट तो नहीं है ना, पहले इसको भी लिख सकते हैं, पहले इसको भी लिख सकते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या बनाए, इसके पैरेलल में यहां बनाए, जो भी ग्राफ बने, लेकिन इस पर यहां ये दोनों से एरो ये दोनों पर नहीं आएगा कहीं भी, ठीक, तो इसके बाद क्या हुआ, पी टू और पी थ्री बना लिए हैं, फिर देखो बिगिन पी टू पी थ्री, पी टू पी थ्री के पहले एक बिगिन है, स्टार्ट यहां से हुआ है, और पी सिक्स आया है बिगिन में, पर बिगिन पर इन तो इंड हो गया, तो अब इसको अगर एक ब्लॉक देखते हैं यहां से यहां तक, अगर एक्स देखते हैं तो देखो बिगिन और इंड के बीच में क्या है, एक्स है और पी सिक्स है, एक्स है और पी सिक्स है, किसके बिगिन और इंड के बीच में, एक्स क्या है, हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं पी टू पी थ्री को, तो पी सिक्स और इंड होगा, मतलब कि पी सिक्स कहाँ होगा, पी सिक्स बिगिन और इंड में, इस एक्स के बाद ही पी सिक्स होगा ना, पक्का ना होगा, एक्स के बाद पी सिक्स होगा ना, हम यही बनाए, तो एक्स के बाद जब होगा, इसके बाद जब होगा, मतलब क्या है, बाद क्यों हो रहा है, क्योंकि डिपेंडेंट है, डिपेंडेंसी है, यही है ना, फिर इसके बाद ए बना लिए हम लोग, क्या किए, बिगिन और इंड को भी खत्म कर लिए, यहाँ क्या है, बिगिन और इंड को हम लोग खत्म कर लिए, हो गया ना, बिगिन इंड हम लोग पी फोर पी फाइव बना लिए, ये पूरा बिगिन इगिन जो पी टू पी थ्री पी सिक्स सब बना लिए हम लोग, अब ये दोनों ब्लॉक मान लो ए वाई है ए जेड है, ये दोनों में क्या रिलेशन है, वाई और जेड में, तो यहाँ पर बिगिन लिखा है, यहाँ पर इंड लिखा है, मतलब वाई और जेड पैरेलल में चल रहा होगा, तो वाई क्या है, वाई ए है, जेड क्या है, जेड क्या है, ये दोनों है, लेकिन ये दोनों पैरेलल में जब चल रहा है, सही बात है, वाई और जेड दोनों पैरेलल में चल रहा है, क्यों, क्योंकि पर बिगिन और पर इंड है, लेकिन ये दोनों आया था कब, ये दोनों पी वन के बाद आया है ना, पूरा चीज मान लो यहां से पर बिगिन से पर इंड लेते हैं, मान लो इसको क्यू लेते हैं, तो क्यू कब आया था, पी वन के बाद में आया है ना, पी वन के बाद में क्यू आया है ना, मतलब पी वन के बाद में पूरा ब्लॉक आया है, हाँ मतलब कि पी वन पर डिपेंडेंट है ना, यही ना बोलना चाह रहा है, पी वन के बाद में आया, मतलब पी वन के बाद ही एग्जीक्यूट होगा, तो डिपेंडेंसी कैसे हम लोग बनाएंगे, एरो से ही बनाते हैं ना, डिपेंडेंसी एरो से बनाते हैं ना, बस बना दिए, तो पी वन के बाद में क्यू आया, उसके बाद में क्यू के बाद में क्या आया, पी से बनाया है ना, तो पी सेवन कब आया, क्यू के बाद में आया, क्यू क्या है, ये कंप्लीट है ना, यहां से लेकर ऐसे करेंगे,
तो क्या है, क्यू है पी वन क्यू पी सेवन, पी वन क्यू पी सेवन यही आया है ना। तो देखो यहाँ पर पी वन क्यू पी सेवन किसके बीच में है, बीन और इंड के, मतलब क्या पी वन के बाद क्यू आया, क्यू के बाद पी सेवन आया, क्यू के बाद पी सेवन आया, मतलब क्यू पर डिपेंडेंट है। तो इसका मतलब क्या है, कहाँ से डिपेंडेंसी आ रहा होगा, इससे और इस वाले से। इसमें बोल रहे हैं कि पी फाइव के पी फोर के बाद में ही पी फाइव है, मतलब यहाँ से ही डिपेंडेंसी जा रहा होगा। तो पी फाइव से पी सेवन आया, पी सिक्स से पी सेवन आया, क्यू के बाद में पी सेवन आ गया ना, क्यू के बाद में पी सेवन आ गया ना, ये दोनों क्या है बिगिन और एंड में है। तो ए मान लो एस हो गया, एस मतलब सॉल्यूशन, ये पूरा मान लो बिगिन और एंड के बीच में, बिगिन और एंड के बीच में पूरा सॉल्यूशन हो गया पूरा पार्ट। तो ये क्या बन गया हम लोग का, ये पूरा पार्ट क्या बन गया, सॉल्यूशन है ना। सॉल्यूशन क्या निकाल रहे थे हम लोग, प्रेसिडेंस ग्राफ, यही बनाना था ना। क्या क्या सीखे हम लोग, प्रेसिडेंस ग्राफ से कोड भी हम लोग लिख सकते हैं और कोड से प्रेसिडेंस ग्राफ भी बना सकते हैं, बना सकते हैं ना, समझ गए। एक ही क्वेश्चन बताए हैं, एक बार नहीं समझ में आया दो बार देखना, 100% समझ में आएगा। और ये समझ गए हो, कैसा भी क्वेश्चन प्रेसिडेंस ग्राफ और कंकरेंट प्रोग्रामिंग का आएगा तुम बना सकते हो। हाँ एक और चीज छूटा हुआ है, वो बताते हैं क्या चीज छूटा है, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन तुम बना सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन। क्यों, इसमें सब रंग का पैरेलल में रन करने का है, कंकरेंटली रन करने का है, और सीरीज में सब लोग सब कुछ बता दिए, कॉम्बिनेशन सब अवेलेबल है, इसी तरह कॉम्बिनेशन नहीं होता है। इससे ज्यादा कॉम्बिनेशन जहाँ होता है वहां देखो क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगा। यहाँ पर क्यों हम लोग ड्रा कर पाए थे, पहले पी वन लिए, क्यू लिए, पी सेवन लिए, अब क्यू के अंदर जाने पर क्या दिख रहा है, क्या एक ए ब्लॉक है और एक ए ब्लॉक है, ये दोनों पैरेलल में रन कर सकता है। इसमें क्या है, एक ए ब्लॉक है, एक ए ब्लॉक है, इस ब्लॉक के बाद में ये रन करेगा, इसके पी थ्री और पी टू पी थ्री का ब्लॉक जो है और पी सिक्स का जो ब्लॉक है ए ब्लॉक के बाद में ही रन करेगा ना। मान लो ऐसा होता कि पी फोर से एक डिपेंडेंसी पी सिक्स में आ रहा होता, क्या आ रहा है बताओ, अभी क्या देखा हम, क्या बनाया हम, क्या बोले, इससे डिपेंडेंसी पी सिक्स में आ रहा था, लेकिन अब हम क्या बोल रहे हैं, इससे तो आ ही रहा है पी फोर से भी आ रहा है, पी फोर से भी पी सिक्स में डिपेंडेंसी आ रहा है, मतलब पी सिक्स पी फोर के बाद होगा। पहले क्या था, ये पूरा ब्लॉक कभी भी हो सकता है और पी फोर पी फाइव का ब्लॉक कभी भी हो सकता है। ये जब सॉल्व दोनों ही हो जाएगा इसका मतलब क्या होगा, क्यू कंप्लीट हो गया। अब क्यू के अंदर जब गए तो क्या हुआ, ए ब्लॉक जब कंप्लीट किया अपना तो पी सिक्स का इस पर भी डिपेंडेंसी आ गया। तो ए सिस्टम है, ए पूरा ब्लॉक, और ए ब्लॉक में पहले कौन करोगे तुम, पहले कौन करोगे बताओ, एक तो पैरेलल है, एक ए ब्लॉक और ए ब्लॉक पहले पैरेलल था, अब क्या है ए ब्लॉक के बाद में यहां है ना, इस ब्लॉक के बाद में इसको करना है, क्यों कि ए ब्लॉक पहले हुआ तभी तो पी फोर से वैल्यू लेगा, पी फोर से वैल्यू लेना है ना पी सिक्स को, पी फोर से वैल्यू लेने के लिए पी सिक्स में लेने के लिए पहले इस ब्लॉक को करना होगा, उसके बाद पी सिक्स होगा। लेकिन हम एक और ट्विस्ट करते हैं, इसमें क्या किए हम, क्या किए पी टू से डिपेंडेंसी पी फाइव पर लेकर चले आए। तो पी फोर और पी सिक्स क्या बात कर रहा है, पी फोर और पी सिक्स के डिपेंडेंसी के चलते क्या हुआ है, ये ब्लॉक मान लो एक्स है, ये पूरा ब्लॉक पी फोर पी फाइव वाला, और पी टू पी थ्री पी सिक्स का ये ब्लॉक पूरा अगर वाई है, तो P4
पी सिक्स का जो डिपेंडेंसी है, पी फोर पी सिक्स का जो डिपेंडेंसी है वो क्या बोल रहा है, जो एक्स के बाद वाई को रन करना है, ये बोल रहा है ना पी फोर और पी सिक्स का डिपेंडेंसी। लेकिन पी टू और पी फाइव का डिपेंडेंसी क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पी टू और पी फाइव का डिपेंडेंसी क्या बोल रहा है, पी टू और पी फाइव का डिपेंडेंसी क्या बोल रहा है, पी फाइव क्या बोल रहा है कि पी टू से हमको वैल्यू लेना है, मतलब पी टू पहले होना चाहिए, मतलब पी टू कहाँ है, वाई में है, वाई पहले होना चाहिए, एक्स बाद में होना चाहिए, यहाँ क्या है वाई पहले होना चाहिए उसके बाद में एक्स होना चाहिए। देखो बताओ अब एक्स वाई में एक कंडीशन आ रहा है जो एक्स पहले होना चाहिए, दूसरा कंडीशन क्या है वाई पहले होना चाहिए, जब ये कंडीशन दोनों ही होना है, दोनों कंप्लीट करोगे तभी सॉल्यूशन हो सकता है। तो इसका कोड कभी लिख सकते हैं हम लोग, किसको पहले कोड में लिखेंगे बताओ, एक बोल रहा है एक्स को पहले लिखो, एक बोल रहा है वाई को पहले लिखो, नहीं लिख सकते हैं ना, इस कोड में जगह है कहीं कहीं नहीं। इसमें दो ही तरह का प्रोसेस आ सकता है, एक पैरेलल रहे उसके लिए फॉर बिगिन और फॉर एंड, ए फंक्शन से यूज करेंगे फॉर बिगिन फॉर एंड का, और एक और बिगिन एंड है जो एक के बाद एक रहे सीरीज में रहे। यहां क्या बोल रहा है, दोनों ही कंडीशन होना चाहिए उल्टा, मतलब बोल रहा है क्या कि राम है और श्याम है, एक बोल रहा है कि राम छोटा है, बाद में बोल रहा है श्याम छोटा है, ये गलती कौन कर सकता है, ये गलती एक बार ये छोटा एक बार छोटा कभी पॉसिबल है, ये काम नहीं कर सकते हैं ना। तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम लोग सॉल्व तो करेंगे, प्रॉब्लम आया है ना सिस्टम में, सॉल्व तो करना होगा, सॉल्व कैसे करेंगे इसको हम लोग प्रोग्राम नहीं लिखेंगे डायरेक्ट, हम लोग क्या करेंगे, जो मान लो पहले जानो कि जो करेंगे उसका नाम क्या है, उसका नाम है जो दो दिन से मतलब दो पिछले लेक्चर से हम लोग देख रहे थे, सेमाफोर वेरिएबल्स। क्या था, दो तरह का सेमाफोर था ना, एक काउंटिंग एक बाइनरी, तो बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल लेंगे यहां पर इसको सॉल्व करने के लिए, बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल के हेल्प से इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, रैप ओवरव्यू बता रहे हैं कैसे, जैसे क्या करेंगे हम लोग, पी फोर से पी सिक्स आया है ना, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक सेमाफोर एस लिए हैं, हाँ बाइनरी सेमाफोर है ना, एस के वैल्यू को जीरो रखे हैं हम लोग इनिशियली, और पी टू के बाद हम लोग आर लिए हैं, मान लो आर के इनिशियल वैल्यू को क्या रखे हैं, आर के इनिशियल वैल्यू को जीरो रखे हैं, दोनों के वैल्यू को जीरो रखे हैं, ये क्या है सेमाफोर बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल है। इससे क्या होगा, जब भी पी फोर एग्जीक्यूट करेगा, जब पी फोर कंप्लीट होगा तो क्या करेगा, एस को पहले क्या करेगा, पहले अप ऑफ एस, उसके बाद क्या होगा, किसके बाद में होगा, पी फोर के बाद में अप ऑफ एस करेगा, और पी सिक्स के पहले या डाउन पी लिखते हैं, पी ऑफ एस, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया ना। इससे क्या किए हम लोग, एक सेमाफोर वेरिएबल है बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल जो कि वैल्यू क्या हो सकता है, जीरो और वन हो सकता है, एक अप ऑपरेशन होता है एक डाउन ऑपरेशन होता है, तो ये ऑपरेशन में क्या बताए थे, पहले बाइनरी सेमाफोर में मान लो वैल्यू जीरो है और डाउन ऑपरेशन करेंगे तो प्रोसेस सस्पेंड हो जाएगा, लेकिन जीरो में आप ऑपरेशन करेंगे तो जीरो से वन हो जाएगा, और अगर वन है इसमें डाउन करेंगे तो वन से जीरो हो जाएगा, मतलब डाउन ऑपरेशन के लिए
डाउन ऑपरेशन को सक्सेसफुल होने के लिए इनिशियल वैल्यू क्या चाहिए, वन चाहिए। आप ऑपरेशन कभी भी सक्सेसफुल हो सकता है, अगर जीरो है तो आप करने से वन होगा, अगर वन है तो आप करने से वन ही रहेगा। लेकिन अगर डाउन ऑपरेशन करना है तो जीरो है तो डाउन करेंगे तो प्रोसेस हो जाएगा सस्पेंड, और वन है और अगर डाउन करेंगे तो प्रोसेस कंप्लीट करेगा। तो यहाँ क्या किए, इनिशियल वैल्यू हम लोग जीरो लिए हैं। क्यों? मान लो P6 जब कभी भी रन करना चाहे क्या करना होगा, इसको डाउन करना होगा। इसको हम इसे कोड में लिख दिए हैं, P6 के कोड में हम लिख दिए हैं डाउन करना होगा। P मतलब डाउन ऑपरेशन, P ऑफ S, S क्या है, बाइनरी सेमाफोर वेरिएबल है। डाउन ऑफ S, P6 को कंप्लीट करने के लिए पहले इसको डाउन ऑपरेशन करना होगा ना। जैसे ही P4 के मान लो पहले P6 एग्जीक्यूट होने गया, क्या करेगा, डाउन ऑपरेशन किस पर, S पर। S का वैल्यू कितना है, जीरो। जीरो से जब डाउन ऑपरेशन होता है, जीरो से जब डाउन ऑपरेशन होता है तो क्या होता है, प्रोसेस सस्पेंड हो जाता है, मतलब P6 एग्जीक्यूट नहीं कर पाया ना। जीरो से डाउन किया तो ये वैल्यू तो जीरो रह गया, लेकिन ये प्रोसेस सस्पेंड हो गया, नहीं एग्जीक्यूट कर सका है। क्यों? क्योंकि हम लोग के पास में करना क्या था, पहले P4 को करवाना था, P4 नहीं करवाया इसलिए नहीं कर पाया। अब देखो P4 करवाने के बाद करता है क्या, तो P4 है, इसके बाद में नीचे आना है ना। देखो क्या कि P4 के बाद में अप ऑपरेशन किए हैं, P4 के बाद में अप ऑफ S किए हैं। S का वैल्यू क्या है, जीरो है ना, इसको अप करेंगे तो क्या होगा, जीरो से वन होगा और प्रोग्राम आगे एग्जीक्यूट करेगा। मतलब क्या है, P4 के बाद अप कर दिए और आगे करेगा, इसके आगे क्या है, डाउन ऑफ S। डाउन क्या है, वन से जब डाउन करेंगे वैल्यू जीरो हो जाएगा लेकिन प्रोसेस एग्जीक्यूट कर जाएगा। कंडीशन यही इम्पोज करना था ना हम लोग को, कंडीशन यही नहीं इम्पोज करना था कि P4 के बाद में P6 हो गया। अब P4 के पहले जब करना चाह रहे हैं नहीं हो रहा है ना। सेम उसी तरीके से इसको मान लो हटाते हैं, सेम वैसे ही इसका भी लिखेंगे अगर P2 और P5 का, तो मान लो R है, R का वैल्यू इनिशियली क्या था, जीरो है, इनिशियली वैल्यू जीरो है ना R का, तो R में क्या करेंगे, R के लिए हमें कोड लिखते हैं, ठीक, किसके लिए, P2 और P5 के लिए। तो क्या करेंगे, बिगिन P2 V ऑफ R है ना, हाँ V ऑफ R मतलब आप ऑपरेशन बिगिन किए, P2 आया, V ऑफ R, R को आप ऑपरेशन कर दिया। अच्छा इसको एग्जीक्यूट भी नहीं करते, पहले लिखते हैं कोड को, R ऑपरेशन कर दिया और क्या हुआ, इंड हो गया। एक और कोड क्या लिखते हैं, एक किसके लिए लिखे हैं, P2 के लिए लिखे हैं, केवल P2 के लिए लिखे हैं। अब P5 के लिए लिखेंगे, P5 के लिए क्या होगा, बिगिन P5 पहले नहीं होगा, बिगिन P2 है, क्योंकि P2 कुछ और था, यहाँ डाउन ऑपरेशन हुआ होगा, हम लोग यहाँ पर हुआ होगा, हम लोग P2 से P5 का केवल देख रहे हैं, अभी ऊपर का नहीं देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, बिगिन जब करेंगे तो P2 पर डिपेंडेंट है ना, तो P2 जिसको आप किया है ना, P2 और P5 के बीच में जो सेमाफोर वेरिएबल है, अगर ऊपर वाला एग्जीक्यूट होगा तो इसको अप करेगा बाद में, अपने एग्जीक्यूशन के बाद, P2 के बाद इसको अप करेगा, P5 अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने के पहले इसको डाउन करेगा। तो क्या हुआ, डाउन ऑफ R, R को डाउन करने का मतलब क्या है, P ऑफ R, उसके बाद क्या किए, उसके बाद P5 को एग्जीक्यूट किए, P5 किए, फिर इंड हो गया। देखो इस साइड का भी हटा देते हैं, फिर क्या हुआ, फिर इंड हो गया, ये क्या है, प्रोग्राम है। अब देखो P2 को एग्जीक्यूट करो तुम, P2 यहाँ है ना, P2 को किए, P2 में क्या है, P2 को पहले कंप्लीट किए, फिर अप ऑफ R, अप ऑफ R, कोई दिक्कत नहीं, आगे रन करें, क्योंकि आप ऑपरेशन जीरो पर सक्सेस, आप ऑपरेशन हमेशा ही सक्सेसफुल होता है, कभी भी वो ब्लॉक नहीं करता, सस्पेंड नहीं करता है। जीरो को ओवन किया,
फिर इंड हो गया, फिर यहाँ पर आया स्टेटमेंट में बिगिन, पी ऑफ आर, आर को डाउन किया, पी ऑफ आर मतलब डाउन, डाउन फिर वन पर जब डाउन करेंगे तो आगे बढ़ेगा, क्या होगा पी फाइव कंप्लीट होकर इंड हो गया, क्या हुआ पी टू के बाद में हुआ ना, मान लो पी टू को पहले करना चाहते हैं, यहाँ पर देखो क्या प्रॉब्लम है, यहाँ जीरो था ना, पी टू के पहले पी फाइव को करना चाहते हैं तो क्या है बिगिन पी ऑफ आर, आर है ना जीरो है ना, जीरो को जब डाउन करेंगे तो जीरो ही रहेगा लेकिन प्रोसेस को यहाँ सस्पेंड करके जाएगा, मतलब क्या है यहाँ पर ही ये क्या हो गया, यहाँ पर सस्पेंड हो गया, मतलब पी टू को एग्जीक्यूट होने से रोक दिया ना, क्यों रोक दिया क्योंकि जरूरत क्या था हम लोग का, जो पी फाइव है जो पी टू के बाद ही एग्जीक्यूट करे, यहां पर बिना पी टू को किए ही हम लोग पी फाइव कर रहे हैं, तो कोडिंग के हेल्प से हम लोग इसको सस्पेंड कर दिए ना, रोक दिए, तो ऐसे ऐसे ही सब बहुत सारा कोडिंग सबके लिए लिखेंगे, यहां पर क्या रहेगा मान लो ए ले लिए, बी सी डी ई एफ जी एच आई, यहाँ आई हो गया, पी वन करेंगे अप ऑफ ए कर देंगे, अप ऑफ बी कर देंगे, अप ऑफ सी कर देंगे, तो जब आप ऑपरेशन तीन वो लाइन से कर रहे हैं क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कैसे लिखेंगे उसके कोड को, यहाँ लिखेंगे बिगिन, पहले क्या करेंगे पी वन, पी वन के लिए किसी को डाउन करना है नहीं करना है, तो पी वन उसके बाद क्या लिखेंगे फॉर बिगिन, फॉर बिगिन क्यों लिखे, क्यों क्योंकि पैरेलल में तीन ऑपरेशन करना है हमको, ए और ए पहले आप करें बी करें सी करें कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए फॉर बिगिन क्या करेंगे अप ऑपरेशन ऑफ ए, अप ऑपरेशन ऑफ बी, अप ऑपरेशन ऑफ सी, उसके बाद क्या करेंगे पर इंड करेंगे, ये क्या हुआ पहला हो गया, फिर उसके बाद उसके अगला कैसे लिखेंगे, देखो उसके अगला कैसे लिखेंगे, यही था लास्ट में, इसके अलावा और कुछ नहीं, तो इतना समझो लास्ट वाला ही समझ लो, अच्छा है ना, इतना टाइम दियो थोड़ा सा बचा, हार्डली दो मिनट लगेगा बस, ये क्या किए पी वन के लिए लिख दिए, अब लिखेंगे किसी के लिए लिखे, इसके लिए किसी के लिए लिख सकते हैं, जान लो हम पी सेवन के लिए भी यहाँ लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों हम लोग के लिखने के ऑर्डर पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है, अब ये डिपेंड कर रहा है सेमाफोर वेरिएबल पर, मान लो पी सेवन को पहले लिख दिए रन करवाएंगे सस्पेंड हो जाएगा, क्यों क्योंकि डी एच और आई को ये क्या करेगा डाउन करेगा, इनिशियल सबका वैल्यू हम लोग जीरो लेकर रखे रहते हैं, सस्पेंड हो जाएगा ना, एग्जीक्यूट कर ही नहीं पाएगा, ये तभी एग्जीक्यूट करेगा जब पी फाइव और पी सिक्स कंप्लीट कर लेगा, तो कोड हम लोग कहीं भी लिख सकते हैं किसी का भी कहीं भी, इसका मतलब क्या हुआ ये पूरा कोड पैरेलल में हुआ ना, ये बोले तुमको क्या लग रहा था ऐसे ही गप कर रहे हैं, गप नहीं कर रहे थे कुछ बता रहे थे, तुम गप समझ रहे हो, समझो बात को, इसमें कोई भी कहीं भी लिखेंगे वो तो सेमाफोर के अकॉर्डिंग सस्पेंड हो रहा है और कंटिन्यू कर रहा है, मतलब कि सब स्टेटमेंट पैरेलल में हो सकता है ना, पैरेलल में ही है, तो यहां लिखेंगे पर बिगिन और पर एंड, नीचे में लिखेंगे देखो पर बिगिन में सब स्टेटमेंट रहेगा सब प्रोसेस के लिए, अब देखो मान लो पी फोर का हम लिखते हैं कैसे लिखेंगे, पी फोर का बिगिन, पी फोर कब होगा ए को डाउन करना है ना, क्योंकि ए के बाद है ना पी फोर, ए को डाउन करना है तो क्या करेंगे बिगिन डाउन पी ऑफ ए, डाउन ऑपरेशन किए डाउन कर लिए ए को, फिर क्या किए पी फोर आया, तो फिर आया पी फोर, ए को डाउन किए फिर आया पी फोर, फिर आया पी फोर, ए अलग कॉमा दिए, ए अलग कॉमा दिए, इसके बाद क्या करेंगे P4 के बाद में देखेंगे कि एरो गया है, मतलब बाद में जो एरो होता है उसको क्या करना होता है अप करना होता है हम लोग को, क्यों इनिशियली डाउन है अप करेंगे तब ना इसके बाद का प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा, तो इसको अप करेंगे, इसको D और E को अप करेंगे, लेकिन पहले इसको अप करें या इसको अप करें कोई फर्क पड़ता है क्या,
इसका मतलब क्या है, डी और ई दोनों पैरेलल में है। अगर ऑर्डर से नहीं फर्क पड़ता है तो मतलब कि पैरेलल में है, तो डी और ई दोनों ही क्या है, पैरेलल में है। इसके लिए इसको अप करना सही चाहिए, लेकिन पैरेलल में है ना, तो यहां लिखना होगा क्या, पर बिगिन अप ऑफ डी, डी है ना, हाँ, उसके बाद अप ऑफ सी, जो कंटिन्यू बिगिन डाउन ऑफ ए पी फोर, पर बिगिन अप ऑफ डी, पर अप ऑफ सी, उसके बाद क्या करेंगे, पर इंड, उसके बाद दोनों को अप कर दिए, इंड हो गया। इसके बाद आ एक और चीज क्या लिखेंगे, एक और चीज लास्ट में इंड भी लिखेंगे। क्यों इंड क्यों लिखेंगे, क्योंकि बिगिन यहां से किए थे ना, तो पर बिगिन यहां से यहां तक में इंड हो गया, बिगिन और इंड यहां हो गया। देखो बिगिन और बिगिन आया हुआ, फिर पर बिगिन पर इंड हुआ, फिर इसके बाद में क्या लिखेंगे, इसके बाद में इंड लिख दिए। एक इसके लिए लिखे, एक पी फोर के लिए लिखे हैं। तो इसी तरीके से ब्लैक पेंसिल में पता है जगह नहीं है, तो ब्लैक ये बहुत मोटा चल रहा है, चलो तब लिखेंगे इसको, पी फोर के लिए लिख लिए ना, तो पी टू के लिए लिखते हैं। पी टू कैसे होगा, पी टू के लिए देखो कितना स्पेस अभी बनेगा हम लोग का, कितना स्पेस रहेगा ना, आराम से यहाँ पर मतलब कुछ भी ड्राइंग ये सब कर सकते हैं। चलो फिर बिगिन पी टू के पहले क्या है, बी है ना, बी को डाउन करना होगा, तो बिगिन डाउन करना है तो क्या, पी ऑफ किसको डाउन करना है, पी टू के लिए बी को करना है, डाउन ऑफ बी कॉमा पी टू, उसके बाद इसके बाद क्या है, डी ई एफ जी एच आई, यहां पर नहीं लिखे थे जे, इसका नाम जे दे देते हैं, ठीक है, ये जो एरो है इसके लिए नहीं लिखे, देखो डी इसके लिए एरो के लिए है, ई है, एफ यहाँ है, जी है, लेकिन इस एरो के लिए नहीं लिखे थे तो जे लिख देते हैं, ठीक। तो पी टू के बाद क्या है, पी टू के बाद जे और एफ आया, इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब पैरेलल में है। क्या वर्ड यूज करते हैं हम लोग, हम लोग यूज करेंगे पर बिगिन, क्या 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 करेंगे, नीचे क्या करते हैं, प्रोसेस के बाद में नीचे वाले को क्या करते हैं, अप करते हैं, तो जे और एफ को अप करेंगे, तो अप ऑफ जे, अप ऑफ क्या है, एफ, पर बिगिन में अप ऑफ जे, अप ऑफ एफ, उसके बाद पर इंड, इंड हो गया ना, पैरेलल में दोनों को अप कर दिए, उसके बाद पर इंड यहां हो गया, दोनों अप होने के बाद फिर स्टार्टिंग का इंड यहां आ गया, मतलब क्या हुआ, P2 का भी हो गया, किससे हुआ, P1, P4 और P2, P1 हो गया है, P4 हो गया है, P2 हो गया है, अब किसका करेंगे, P3 का करेंगे, तो P3 के लिए क्या है, P3 के लिए फिर से लिखेंगे यहां पर बिगिन, P3 के लिए क्या करना होगा, डाउन ऑफ C, तो डाउन ऑफ C, इसके बाद क्या है, P3 है, इसके बाद P3 है, इसके बाद अप ऑफ G करना होगा, एक ही G है ना, बस सिंगल है, पैरेलल में कोई और नहीं है, मतलब केवल G आएगा, तो अप ऑफ G करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, अप ऑफ G कर दिए, फिर इंड कर दिए, जब पैरेलल में आए, जब पैरेलल में आया ऐसे एरो, पैरेलल में आए, देखो ऐसे पैरेलल में आए, तब पर बिगिन और पर इंड यूज करना है, अगर सिंगल एरो रहे तो नहीं यूज करना है। क्या हो गया, P3 के लिए हो गया, इंड हो गया यहाँ पर, तो चलो P3 भी कंप्लीट हो गया, चार हुआ ना, देखो ये क्या है, एक दो तीन चार, चारों के लिए हो गया ना, चार प्रोसेस के लिए, एक दो तीन चार, चलो अब फिफ्थ वाले में क्या करना है, फिफ्थ वाले में क्या करना है, इसके बाद मान लो यहां पर आते हैं, तो P5 में क्या करेंगे,
P5 में सबसे पहले तो बिगिन लिखना ही है, सब बिगिन लिख लेना, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। P5 के लिए है ना, P5 के लिए ना, तो D को डाउन करना है और P5 करना है और H को अप करना है। क्या करेंगे, डाउन ऑफ D, उसके बाद P5, उसके बाद अप ऑफ H को, इनिशियली जीरो रहता है ना, अप करने के बाद ही एंड होता है प्रोसेस। तो P5 के बाद क्या किए, अप ऑफ H, H को अप करके P5 अपना कंप्लीट हो गया। अब P6 को लिखेंगे, तो 6 वाले में क्या है, P6 है, तो बिगिन तो पहले लिखते ही है सब में, तो बिगिन लिख लिए। चलो उसके बाद P6 के लिए क्या क्या चाहिए, देखो यहाँ से भी एक डिपेंडेंसी है, यहाँ से भी एक है, यहाँ से भी एक है, तीनों जगह से है ना, और स्टार्टिंग में ही है। यहाँ पर क्या था पहले में, यहाँ से जब यहाँ जाते थे, इसके बाद में इस दोनों को क्या किए थे, अप किए थे, तो पैरेलल में किए थे। अब क्या है, एग्जीक्यूशन के पहले ही सबको डाउन करना है पैरेलल में, मल्टीपल एरो है एग्जीक्यूशन के पहले ही, डिपेंडेंसी है जो मल्टीपल है, मतलब क्या, बिगिन के जस्ट बाद में पर बिगिन शुरू होगा। क्यों शुरू होगा पर बिगिन, क्यों, क्योंकि मल्टीपल सेमाफोर वेरिएबल को डाउन करना है पैरेलली, पर बिगिन हो गया, उसके बाद क्या किए, डाउन ऑपरेशन करेंगे। क्या क्या डाउन ऑपरेशन है, ई एफ जी, तो पी ऑफ ई, पी ऑफ एफ, पी ऑफ जी, हो गया ना तीनों को, तीनों को देखो ई एफ जी, तीनों को डाउन कर लिए। डाउन कर लिए तो क्या करेंगे, पर बिगिन को इंड कर देंगे, क्योंकि पैरेलल ही ऑपरेशन करना था ना हम लोग को डाउन, तो इंड कर दिए, क्या पर इंड कर दिए। इसके बाद क्या करना है, ये तीनों को डाउन करने के बाद P6 करना है ना, P6 करना है, उसके बाद में इसको अप ऑपरेशन करना है आई को, तो पर इंड तो ये तीनों का कर लिए, फिर P6 लिखना है, तो यहां क्या लिखेंगे, यहां लिखेंगे P6, और इसके बाद जाते टाइम क्या करेगा, आई को अप करके जाएगा, तो अप ऑफ आई, क्यों, एक ही है पर बिगिन पर इंड की जरूरत ही नहीं है, पहले यहां जरूरत था तो लिखे, तो बिगिन और इंड से ही काम चलता है, तो अप ऑफ आई यहां पर मान लो इंड लिख दिए कॉर्नर में। चलो हो गया ना, P6 हो गया ना, P6 का हो गया ना, बिगिन पर बिगिन डाउन तीनों को किए, एफ जी को, फिर पर इंड किए, फिर P6 किए, फिर अप ऑफ आई इंड किए, तो ये भी हो गया। अब क्या बचा, सेवेंथ क्या बचा, P7 का करना है। P7 में सबसे पहले क्या लिखते हैं, बिना सोचे समझे, बिना सोचे समझे बिगिन तो लिख ही लेते हैं, फिर क्या करेंगे, डाउन ऑपरेशन करना है किसको, एच और आई को, मतलब कि पैरेलल में करना है, कोई भी पहले कर सकते हैं, तो बिगिन के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, बिगिन के बाद पर बिगिन लिखेंगे, पर बिगिन डाउन करना है ना एच और आई को, क्योंकि डाउन करेगा उसके बाद एग्जीक्यूट होगा, तो पर बिगिन डाउन ऑफ एच, डाउन ऑफ आई, दोनों को डाउन कर लिया, अब किसी को डाउन नहीं करना है ना, तो पर बिगिन है इसको इंड करेंगे ना, तो पर इंड कर लिए, ये क्या किए, ये दोनों को डाउन करके इंड कर दिया। P7 करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आया P7, उसके बाद क्या आया, P7 के बाद कुछ है, कुछ नहीं है, खत्म हो गया, तो इस स्टेटमेंट को पहले खत्म करेंगे, P7 के बाद क्या हुआ, कुछ नहीं है, तो इंड हो गया, तो सेवेंथ वाला भी कंप्लीट हो गया। लेकिन 1, 2, 3, 4, 5, 6 जितना भी है लाइन में लिखा हुआ, ये सब इंस्ट्रक्शन किसके बाद कौन होगा, किसी के बाद भी कोई हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये सीक्वेंस ऑर्डर के लिए हम लोग सेमाफोर वेरिएबल ये सब ABCD ले चुके हैं, गलत सीक्वेंस में एग्जीक्यूट होगा, खुद ब खुद सस्पेंड होगा,
इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब क्या है, पैरेलल में है ना, पर बिगिन यहां लिखे थे और नीचे में क्या लिखेंगे, नीचे में पर इंड हो गया। देख लीजिए ना क्या प्रॉब्लम आ सकता है डिपेंडेंसी में, सॉल्व हो गया ना इससे। मतलब इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हुआ, बोल रहे हैं क्या, जो सब प्रिसिडेंस ग्राफ को डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्टली प्रोग्राम नहीं लिख पाए ना, लेकिन सेमाफोर वेरिएबल के हेल्प से हम लोग कर सकते हैं। तो दो ही तरीके का प्रेसिडेंस ग्राफ रहेगा, एक जो पहले जो नॉर्मल प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाए, जो नॉर्मल प्रोग्राम में नहीं हुआ, एक बार देखना, दिखने से फील आ जाएगा कि ना तो पैरेलल में दिख रहा है ना तो सीरीज में दिख रहा है। तो ऐसा जब कन्फ्यूजन हो जाए, मतलब ये हमेशा एक्ट करेगा, कोई जरूरी नहीं कि इसी पर, इसके लिए एक नॉर्मल ऐसा भी हो पी वन और पी टू, केवल दो प्रोसेस भी ऐसे हो ना, इसके बीच में ऐसे एरो, इसके लिए भी ये लिख सकते हैं, दो ही लाइन लिखेंगे और क्या। एक डिपेंडेंसी है, इसको वेरिएबल ए ले लिए, ए को पी वन के बाद अप करेंगे, पी टू के पहले ए को डाउन करेंगे, छोटा कर, ये सब के लिए लिख सकते हैं, लेकिन नॉर्मल प्रोग्राम इसके लिए नहीं लिख सकते हैं। मतलब ए ज्यादा अच्छा तरीका है सॉल्व करने का, हाँ थोड़ा लेट लगेगा, टाइम टेकिंग ज्यादा है, उसमें टाइम कम लग रहा था, लेकिन इससे प्रॉब्लम सब सॉल्व हो रहा है, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हुआ, इस टाइप का प्रॉब्लम जो ऐसे क्रॉस जो भी था डिपेंडेंसी, क्रॉस डिपेंडेंसी का प्रॉब्लम उसमें सॉल्व नहीं हुआ था और यहाँ पर सॉल्व हो गया, बस यही है कंकरेंट प्रोग्रामिंग और कुछ नहीं है। तो सही है, अच्छे से क्वेश्चन बनाओ, इसका प्रैक्टिस करो, यही है इतना, और अच्छे से एक दो बार देख लेना जो क्वेश्चन है ना, एक दो बार देख लोगे ना, कभी भूलोगे ही नहीं, क्योंकि इस तरीके से बताया गया है वो हमको पता है। अब बोलो कि लास्ट वाले में जो आप बताए सेमाफोर वेरिएबल को अप और डाउन करना, ये तो हमको नहीं पता, हम पहला वीडियो ही देख रहे हैं, हमको नहीं पता है। तो सेमाफोर वेरिएबल का एक वीडियो है, उसको देखो, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है, फिर समझ में आ जाएगा ये चीज़। चलो फिर ठीक है, अगले लेक्चर में बाकी का देखते हैं।